तो आज स्टॉल लग गया फाइनली। किसका? मुंबई की जान, मुंबई की लाइफलाइन, मुंबई का फेवरेट ऑल टाइम स्नैक। वेलकम एवरीवन टू हैप्पीनेस ऑन प्लेन। आज हम लाए हैं मुंबई का एनर्जी फूड वड़ा पाव। इस रेसिपी के तीन एलिमेंट्स हैं, चटनी, बैटर एंड स्टफिंग। तो पहले हम चटनी बनाते हैं, वो भी मस्त सी तीखी वाली एकदम। एक पैन को गरम होने देंगे, उसमें डालेंगे एक कप नारियल का बुरादा यानी डेसिकेटेड कोकोनट। कुछ सेकंड के लिए रोस्ट करके डालें। 5 से 6 लहसुन की कलियां, 1/4 कप पीनट्स, 10 से 12 सूखी लाल मिर्च। अब इन सब को 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेंगे। फ्लेम लो ही रखनी है। ध्यान रखें कोकोनट का कलर चेंज ना हो। इन सब को हमें जलाना नहीं है, बस रोस्ट करना है। रोस्ट करके एक मिक्सर जार में निकाल लें और थोड़ा ठंडा होने दें। अब डालें 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर चटनी में बढ़िया रेड कलर के लिए। अब इन सब को ग्राइंड कर लें, बिना पानी का यूज करें। तो चटनी रेडी है। अब बनाते हैं बैटर। एक बोल में डालें 1 कप बेसन, 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर। सभी ड्राई इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लें। अब डालें 1 कप पानी और 1 टीस्पून लेमन जूस। अच्छे से मिक्स करके एक स्मूथ बैटर बना लें बिना लम्स का। बैटर ज्यादा पतला ना हो ध्यान रखिएगा। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ इस तरह से होनी चाहिए। ये रेडी है। अब बनाते हैं स्टफिंग। एक पैन में 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डालें। तेल अच्छे से गर्म होने दें ताकि तेल की रॉनेस खत्म हो जाए। फिर थोड़ा ठंडा करके डालें 1 टेबलस्पून हींग, 1 टेबलस्पून राई या मस्टर्ड सीड्स। हींग और मस्टर्ड सीड्स की क्वांटिटी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। राई को क्रैकल होने दें, फिर डालें 12 से 15 कड़ी पत्ते। कुछ सेकंड्स के लिए भून लें। अब डालेंगे 2 हरी मिर्च चॉप की हुई। मिक्स करके डालें 1 टेबलस्पून अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। गार्लिक की रॉनेस खत्म होने तक भून लें। अब डालें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। अच्छे से मिक्स करने अब डालें 1 टीस्पून नींबू का रस। सबको अच्छे से मिक्स करने और डालें मैश्ड पोटैटोस। मैंने यहाँ 6 से 7 आलू को बॉईल करके मैश कर लिया था। इतनी स्टफिंग में आराम से आपके 10 से 12 वड़ा पाव बन जाएंगे। अब इनको अच्छे से मिक्स करके भून लें 3 से 4 मिनट के लिए। ये भून चुका है। अब डालेंगे थोड़ी सी धनिया पत्ती। अच्छे से मिक्स कर लें। स्टफिंग रेडी है और बाकी एलिमेंट्स भी रेडी है। अब इसके वड़े बनाते हैं। एक कढ़ाई में या डीप पैन में डालेंगे सरसों का तेल। देसी मुंबई स्टाइल वड़ा पाव के लिए हमेशा सरसों के तेल का ही यूज होता है। तेल को एक बार अच्छे से गर्म होने दें, फिर फ्लेम ऑफ करके इसको थोड़ा ठंडा कर लें। अब स्टफिंग का थोड़ा सा पोर्शन लेके इसको टिक्की की शेप देंगे कुछ इस तरह से। अब इसको बैटर में डिप करेंगे और सीधा तेल में डुबकी लगवाएंगे। आप बड़े का साइज अपने हिसाब से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, जितने आपके पाव का साइज हो। इसी तरह से सभी वड़े बना के फ्राई कर लें। बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें। ये रेडी है। अब इसको एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। अब बनाएंगे इसी बैटर से बूंदी। थोड़ा सा बैटर हाथों में लेके इसकी ड्रॉप्स गिराएंगे तेल में कुछ इस तरह से। इसको भी लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लें और निकाल लें। अब हरी मिर्च को भी स्लिट करके कुछ सेकंड के लिए फ्राई कर लेंगे।
जिसको तीखा ना पसंद हो वो हरी मिर्च अवॉइड कर सकता है। अब सारे एलिमेंट्स को असेंबल करते हैं। पाव को बीच से कट कर लें। पहले लगाएंगे एक साइड पे धनिया पुदीने की चटनी। इसकी रेसिपी के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पे या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पे क्लिक करके चेक कर सकते हैं। अब ऊपर से लाल वाली चटनी, तीखी करारी वाली एकदम। अब ऊपर से वड़ा रखेंगे। अब फाइनली ऊपर से थोड़ी सी लाल वाली चटनी। इसी तरह से दूसरा भी बना लेंगे। तो ये लीजिए, दुकान लग गई हमारी और पेश है आप सभी के लिए वड़ा पाव। जरूर ट्राई करिएगा और हाँ, रेसिपी पसंद आए तो लाइक और शेयर करिए। बड़े प्यार से बनाते हैं हम आप सभी के लिए। तो जल्दी ही मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर।